कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। वैसे तो मेरा फर्स्ट व्लॉग इसी से स्टार्ट हुआ था, पर मुझे पता नहीं अब ये कौन सा व्लॉग है, पता नहीं। बट फिर भी अब हम सर्दियाँ आ गई हैं तो हम बनाने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने सामान रखा है। वैसे तो थोड़ा सामान हमने लाया है, बट थोड़े सामान की कमी है। तो पर ये जो थोड़ा है मैं आपको इसका भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने गरी कद्दूकस करके रखी है, ये देखो। और यहाँ पे हमने रखे हैं बादाम और काजू, देखो। और यहाँ पे हमने रखी है किशमिश, देखो। वाओ। तो ये है गोंद और ये है रेड शुगर। पे हमने धोके रखे हैं शुवारे, ये देखो। वैसे तो ये दुकान से मतलब साफ ही थे, बट फिर भी हमने इसे धो लिया, ये देखो। धो लिया साथ में ना, जब हम इसे काटेंगे साथ में मुलायम भी हो जाते हैं, और जब हम इसे काटेंगे और काटने में भी आसानी होगी। तो ये देखो, तो यहाँ पे मेरी माँ जी बैठी हुई हैं और सेब काट रही हैं। क्या काट रही हैं? अनार काट रही हैं। तो ये है कनिष के लिए अनार। कनिष रोज रात को खाता है, कनिष को एनर्जी मिलती है ना। तो जैसे ये देखो, पंजीरी बना रहे हैं। वैसे तो इसमें थोड़ा सा सामान कम है क्या, चलो सोचते हैं। हाँ, इसमें खसखस भी नहीं है अभी, और खोया भी नहीं है, और क्या है, और तो अभी मुझे पता नहीं। मान जी बोल रहे थे कुछ सामान की कमी है, कुछ तो डालते हैं। अब इतना मुझे पता नहीं क्या क्या कमी है, बट सामान की कमी है। तो ये जो हम पंजीरी बनाते हैं, हम हर सर्दियों में बनाते हैं। इसे हमेशा मतलब जैसे सुबह खाने से एनर्जी मिलती है। वैसे तो हम स्कूल रोज़ खा के जाते थे सर्दियों में, अब जब बनेगी तब भी स्कूल खा के जाया करेंगे। यहाँ पे मान जी पेठे को कद्दूकस कर रहे हैं। इसे कद्दूकस करके और फ्राई करके पंजीरी में डालेंगे। तो यहाँ पे मान जी ने तेल गर्म होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे पेठा भी डाल दिया फ्राई होने के लिए। और अभी तो इसको पकने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मान जी ने पंजीरी का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये है रेड शुगर, ये है बादाम, और ये है देसी घी, और ये तो ये है तिल, ये है मगज के बीज, खोया, ये है खोया, ये है खसखस, और ये है गोंद, और आगे क्या है, ये वही काजू, ये है सोंठ पाउडर जिसको हमने ऐसे मिक्सी में ग्राइंडर करते हैं, और ये वही है। तो यहाँ ये है पेठा जिसको हमने फ्राई कर लिया है, और ये है गरी, ये देखो इसको भी हमने कद्दूकस किया है, ये है शुहारे, ये देसी घी, अब हम करते हैं स्टार्ट पंजीरी बनाना। तो चलो, तो अभी चलो घी डालते हैं कढ़ाई में। वैसे अब हम डाल रहे हैं खोया, इसको पूरे मिक्स करेंगे और भूनेंगे। तो यहाँ पे ये देखो खोया कैसा हो गया पिघल कर। पूरा मिक्स कर रहे हैं मान जी इसको, लगाती। तो अभी यहाँ पे भून रहे हैं शवारे। तो ये देखो खोए को भून दिया है, और अभी हम भून रहे शवारे। तो यहाँ पे इसमें मिक्स कर रहे हैं गरी। तो अभी इन दोनों को इकट्ठा भूनेंगे, शुवारे और गरी को।
तो अभी हम भून रहे हैं बादाम। आप देख रहे हो पहले मतलब काजू बादाम, आप सोच रहे हो कि पहले बड़ी कढ़ाई और अभी छोटी, बट हम अलग अलग कढ़ाई में भून रहे हैं क्योंकि अभी उसमें मिक्स करना है। तो ये देखो अभी छोटी कढ़ाई में डालेंगे घी, और घी डाला है। इसमें कितना घी लगता है, बाप रे बाप। अभी तो मुझे लगता है आगे और लगेगा, पर चलो देखते हैं। और अभी हम इसमें करें किशमिश, तो अभी इसको भी भूनेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, यहाँ पे हम सौंठ भुनना बाकी रह गई थी और अभी हम भून रहे हैं सौंठ। तो अभी हम इसको पूरा का पूरा रेड कर देंगे। तो यहाँ पे मम्मा सारा जमाने से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। पे हम अभी कर रहे हैं खसखस को भून रहे हैं, मतलब तो यहाँ पे उनका सारा सामान भून चुका है। यहाँ पे हमारी पंजीरी बनकर रेडी हो गई है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और हाँ, आप भी इसे घर पर बनाकर खाओ और ठंड से बचे रहो। वैसे तो इसका खर्चा तो होता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी सेफ रहो, इसे बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और अभी मैं इस व्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।